का नाम, उसका पदनाम, उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। जहां तक FIR में लिखा गया है कि मेरे द्वारा देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध आपत्तिजनक आ शब्दों का प्रयोग किया गया है, मेरा आप सब मित्रों से भी आग्रह है कि सबके पास वो ऑडियो है, अब उस ऑडियो को देखें। मैंने उस प्रधान के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है उसके भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हुए मैंने कहा कि नीरव मोदी की तर्ज पर ये काम कर रहा है, और मैंने उसमें एक डिग्री जो मेडिकल की डिग्री है जो MBBS के बाद की होती है, मैंने उसका जिक्र भी किया कि हमने कहा उससे बड़ी डिग्री ली है। जब मैं नीरव मोदी भगोड़े की बात कर रहा हूँ तो हमारे राजनीतिक विरोधियों को क्यों इसकी चिंता हो रही है, क्यों छटपटाहट है? भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत की जनता के प्रधानमंत्री हैं और एक बड़े संवैधानिक पद पर हैं, और मैं स्वयं एक संवैधानिक पद पर हूँ तो मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ भारत के एक बड़े संवैधानिक पद पर? और मेरे अपने राजनीतिक जीवन में कभी हमने अभद्र कोई टिप्पणी आज तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया, और ना इसका कोई दृष्टांत है मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन में कि रायबरेली जनपद की पुलिस उस ऑडियो को जिसके आगे के भाग के और पीछे के भाग को एडिट किया गया, आगे क्या कहा गया और उसका अंत क्या है, उन सारी वीडियो को कट करके एडिट करके कूटरचित केवल हमारे राजनीतिक जो विरोधी हैं, जो हमारे बढ़ते हुए प्रभाव से, जो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है और जनता का लगातार आशीर्वाद के साथ हमें लगातार जनता का जनादेश मिल रहा है, हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, गरीब जनता, कमजोर जनता और किसान की हम आवाज़ उठाते रहते हैं, उससे घबरा करके साजिशन कुछ हमारे राजनीतिक विरोधियों ने उस ऑडियो में छेड़छाड़ करके एडिट करके आगे और पीछे का भाग और बीच में कुछ अंश जोड़ करके उसमें उस ऑडियो को वायरल किया है।